सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे के बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों इनवैलिड क्लिक के बारे में। अगर आपके अकाउंट में इनवैलिड क्लिक बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, तो उसे आप कंट्रोल कैसे कीजिएगा, ये बहुत बड़ा मसला है दोस्तों और बहुत लोगों के साथ ये परेशानी हो रही है। जिसका एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर में पब्लिश है और वो उनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा इनवैलिड क्लिक आ रहा है, तो वो अपने अकाउंट को कैसे किस तरह से सेव कर सकते हैं दोस्तों, ये सब सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। अगर CTR भी बढ़ रहा है तो उसे भी आप मेंटेन कर सकते हैं, घर बैठे कहीं पर भी आप हैं तो वहां से ही आप अपने अकाउंट को यानी सेव कर सकते हैं। जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां पे लाल कलर का बटन जो देख रहे हैं इसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों तो आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर में भी दोस्तों पब्लिश अगर नहीं है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप किसी को एप्लीकेशन दे दिए हैं और वो जानबूझ करके क्लिक कर रहा है, अब सोच रहा है कि आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दे, तो ये सब सारी बातें आपको मैं बता रहा हूँ। उसे एप्लीकेशन मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और ना ही उसके मोबाइल से डिलीट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। आप डायरेक्टली खुद से ही उस एप्लीकेशन में जो भी ऐड यूनिट लगा के रखा है उसे डिसेबल भी कर सकते हैं, उसे बंद भी कर सकते हैं या उसका टाइमिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं, उसे एक दिन में कितना ऐड भी दिखाना है वो भी दिखा सकते हैं दोस्तों। ये सब सारी बात हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, एकदम कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों। करना क्या होगा दोस्तों कि अपना एडमूव अकाउंट को आपको ओपन कर लेना होगा। जैसे हमने यहाँ पे ओपन करके रखा है, ये हमारा दूसरा अकाउंट है, ठीक है, और मैं इसमें कोई भी काम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बताने के लिए ये अकाउंट को एक्सेस कर रहा हूँ। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे ऐप के ऊपर क्लिक करके एक ऐप किसी भी ऐप के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उस ऐप का सारा स्टेटस यहाँ पे आपको देखने लगेगा, कितना कमाया है, कितना इंप्रेशन है, कितना क्लिक है, कितना अर्निंग हुआ है उसी हिसाब से। तो यहाँ पे सब 0-0 है क्योंकि ये एक नया अकाउंट है इसीलिए। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैं इस पर काम करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ, तो इसमें ऐड यूनिट पहले से जनरेट था तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ऐड यूनिट के ऊपर हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक जैसे ही करेंगे तो जितना भी यहाँ पे ऐड को आपने जनरेट किया हुआ सब यहाँ पे दिखेगा उस ऐप के अंदर। तो बैनर और इंटेस्ट्रियल हमने दो किया है, तो चलिए बैनर के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। तो बैनर के ऊपर हम लोग क्लिक कर दिए हैं, तो सिंपली यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एडवांस सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेंसिल वाले निशान पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको तीन तरह का ऑप्शन दिख रहा है, कस्टम, ठीक है, और यहाँ पे डिसेबल, और यहाँ गूगल की तरफ से जो भी है। तो डिसेबल करेंगे तो यहाँ पे किसी तरह का ऐड देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे कस्टम करके हम यहाँ पे अगर डिसेबल कर देंगे किसी तरह का ऐड यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर जो है कस्टम के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम टाइम सेट कर सकते हैं कि हमारा ऐड के हमारे ऐप के ऊपर कितना देर तक ऐड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट का डिस्टेंस हो जाएगा उसमें, ठीक है। यानी जो भी यूज़र एक डिवाइस से अगर हमारे ऐप के ऊपर काम कर रहा है तो उसको कितने देर ऐड देखने को मिलेगा, यानी कितने देर के बाद ऐड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम उसी तरह से यहाँ पे टाइम अगर सेट कर देंगे 2 घंटा, तो 2 घंटा के बाद ही उसको दोबारा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर डिसेबल कर देंगे तो उसको साफ, अगर कोई दुश्मनी कर रहा है तो हम लोग डिसेबल कर देंगे उस ऐड यूनिट को, और वहाँ पे किसी तरह का वो एक्टिविटी ही नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, और चाहिएगा तो आप यहाँ से अपने बैनर ऐड का नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, किसी तरह का इसमें कोई परेशानी ही नहीं है, यहाँ से आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे कैंसिल करते हैं और उसके बाद आपको फिर से हम इंटेस्ट्रियल ऐड के ऊपर भी बता देते हैं। तो हम लोग अब इंटेस्ट्रियल ऐड को भी सेट करके बता देते हैं कि कैसे सेट करते हैं। तो इसी तरह से ओपन करने के बाद एडवांस सेटिंग में हम लोग को चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप जो देख रहे हैं पेंसिल निशान, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे इनेबल कर लीजिए। तो यहाँ पर आप ये डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद
बाद यहाँ पर जो कुछ भी दीजिएगा उतना ऐड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और कितने देर के डिस्टेंस के बाद दोबारा देखने को मिलेगा तो वहाँ पे मिनट देना है आपको। यहाँ पे मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक ही ऐड देखने को मिले 30 मिनट के देख लेगा जो भी यूज़र हमारा एक ऐड एक बार एप्लीकेशन खोलेगा उसको एक ऐड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइम जो दे देते हैं हम 30 मिनट, तो उसके बाद 30 मिनट के बाद ही उसको एप्लीकेशन में ऐड देखने को मिलेगा। तो सिंपली ऐसा नहीं करना है, तो हम लोग यहाँ पे 100 ऐड को दे देते हैं, 100 ऐड 30 मिनट, 100 ऐड 30 मिनट, ठीक है। तो 100 ऐड यहाँ पे हम लोग देंगे, ठीक है। तो 100 ऐड देख लेगा वो एक यूज़र, उसके बाद उसको फिर ऐड देखने को नहीं मिलेगा कंप्लीट, 30 मिनट के बाद ही ऐड देखने को मिलेगा। यहाँ से आप घंटा दिन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक दिन में कितना ऐड देखवाना चाहते हैं एक यूज़र को। तो इसी तरह हम लोग मैनेज करते हैं दोस्तों। तो मुझे ये सब करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली हम लोग यहाँ से इसे अभी कैंसिल करेंगे, आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं, और हमें तो कुछ करना नहीं है, तो सिंपली मैं बता रहा था इसलिए मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। आप लोग चाहिएगा तो दोस्तों इसी तरह से दोस्तों आप लोग अपने एडमूव अकाउंट को भी कम्प्लीटली एक्सेस कीजिए, खाली एडसेंस अकाउंट को ही मत देखिए, एडमूव अकाउंट भी जा करके एक आध दो बार तीन बार चार बार खोल के देखा कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।